गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं अवधान की दशाएं। हम अनेक वस्तुओं को देखते हुए भी केवल एक ही की ओर ध्यान क्यों देते हैं? इसका कारण यह है कि अवधान को केंद्रित करने में अनेक दशाएं सहायता देती हैं। हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है वाह या वस्तुगत दशाएं। तो पहली इसमें देखते हैं अवधान को केंद्रित करने की वाह दशाएं। तो वाह दशाओं में पहली दशा है, कंडीशन है गति। स्थिर वस्तु के बजाय चलती हुई वस्तु की ओर हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित होता है। बैठे या खड़े हुए मनुष्य के बजाय भागते हुए मनुष्य की ओर हमारा ध्यान शीघ्र जाता है। दूसरी है अवधि। अवधि जो है हम जिस वस्तु को देखने का जितना अधिक समय मिलता है उस पर हमारा ध्यान उतना ही केंद्रित होता है। इसलिए शिक्षक पाठ की मुख्य विषय वस्तु को, मुख्य बातों को श्याम पट पर लिखते हैं। अगली कंडीशन है स्थिति। हम प्रतिदिन के मार्ग में चलते हैं, कोई एक रास्ते से जाते आते हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं और कभी वहाँ पर कोई एक मकान गिर जाए, तब वहाँ पर फिर अगले दिन जब हम गुजरते हैं तो यकायक वहाँ पर ध्यान चला जाता है। अगली कंडीशन है तीव्रता। वस्तु जितनी अधिक उत्तेजना उत्पन्न करती है उतनी ही अधिक हमारा ध्यान उसकी ओर खींचता है। धीमी आवाज़ की तुलना में तेज आवाज़ हमारा ध्यान अधिक खींचती है। अगली कंडीशन है विषमता। विषमता ये है कि जैसे हम सभी सुंदर व्यक्ति बैठे हों एक जगह और वहाँ पर एक कुरूप व्यक्ति बैठा हो तो कुरूप व्यक्ति पर नज़र पहले जाती है, तो इसमें विषमता की बात स्थिति दशा होती है। नेक्स्ट है नवीनता। नवीनता यह है कि नवीन वस्तु की ओर हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित होता है। नेक्स्ट है आकार। छोटी वस्तु की बजाय बड़े आकार की वस्तुओं पर ध्यान अधिक जाता है। जैसे आप देखते होंगे चौराहे पर बड़ी बड़ी होर्डिंगें लोगों का ध्यान खींचती हैं। फिर नेक्स्ट है स्वरूप। स्वरूप की वस्तुओं को, अच्छे स्वरूप की व्यक्तियों को, अच्छे स्वरूप की वस्तुओं को हम बहुत देखते हैं और पसंद करते हैं। जिनकी बनावट अच्छी होती है, सुडौल होते हैं, उन्हें देखने की इच्छा हमारी स्वयं होती है। नेक्स्ट है परिवर्तन। परिवर्तन ये है कि किसी भाग में लगातार जोर का शोर होने के कारण वातावरण में परिवर्तन हो जाता है तो हमारा ध्यान शोर की ओर अवश्य जाता है। नेक्स्ट है प्रकृति। अवधान का केंद्रीकरण वस्तु की प्रकृति पर निर्भर होती है। छोटे बच्चों की रंग बिरंगी वस्तुएं पसंद होती हैं। पुनरावृत्ति। जब कोई वस्तु बार बार दिखाई जाती है तो उस पर ध्यान चला जाता है। और रहस्य की स्थिति है, जैसे कोई बात रहस्यात्मक ढंग से कर रहा है, रहस्य पूर्वक ढंग या उसकी हाव भाव हैं तो उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं आपका अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशाएं। तो आंतरिक दशाओं में पहला है रुचि। रुचि व्यक्तिगत दशाओं को एक शब्द रुचि में व्यक्त किया जा सकता है। हम उन्हीं वस्तुओं की ओर ध्यान देते हैं जिनमें हमारी रुचि होती है। दूसरा है ज्ञान। जिस व्यक्ति को जिस विषय का ज्ञान होता है उस पर ध्यान सरलता से केंद्रित होता है। तीसरा है लक्ष्य। व्यक्ति जिस कार्य को लक्ष्य बनाता है उस पर उसका ध्यान स्वतः केंद्रित हो जाता है। आदत। आदत में हम एक केंद्रीकरण आदत जो है, जैसे कोई व्यक्ति 3 बजे टेनिस खेलता है तो यकायक वो 3 बजेगा तो टेनिस खेलने के लिए तैयार होने लगेगा और खेलने के लिए जाएगा, तो ये आदत की दशा होती है। नेक्स्ट में है जिज्ञासा। जिज्ञासा जिसमें वह जो जिस बात में हमें जिज्ञासा होती है उस पर ध्यान जरूर जाता है। जैसे हमें जिज्ञासा क्रिकेट में है तो कमेंट्री सुनते हैं।
नेक्स्ट है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण है कि प्रशिक्षण में व्यक्ति का ध्यान उसी बात पर केंद्रित होता है जिसका प्रशिक्षण उसे प्राप्त होता है। जैसे आप अध्यापक हैं तो अध्यापक बोल रहा है तो उसमें आप रुचि लेते हैं, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति में अवधान के केंद्रीकरण के एक आधार व्यक्ति की मनोवृत्ति है। यदि मालिक अपने नौकर से किसी कारण से रुष्ट हो जाते हैं तो उसका ध्यान नौकर के छोटे छोटे दोषों की ओर भी जाता है। नेक्स्ट में है वंशानुक्रम। जो व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ण कर वंशानुक्रम में केंद्रीकरण का आधार व्यक्ति को वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों पर निर्भर करता है। आवश्यकता है तो जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस पर ध्यान चला जाएगा। फिर है नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति अवधान का केंद्रीकरण एक मुख्य आधार व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियाँ हैं। यही कारण है कि विज्ञापन के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम प्रवृत्ति का सहारा लिया जाता है। इसलिए विज्ञापन में साधारणतः सुंदर युवतियों के चित्र होते हैं। फिर नेक्स्ट है पूर्व अनुभव। किसी कार्य करने का पूर्व अनुभव होता है तो उस पर सरलता से ध्यान केंद्रित हो जाता है। नेक्स्ट है और अंतिम मस्तिष्क का विचार। रायबर्न के अनुसार हमारे मस्तिष्क में जिस समय जो विचार सर्वप्रथम होता है उस समय हम उसी से संबंधित बातों की ओर ध्यान देते हैं। यदि हमारे मस्तिष्क में अपने किसी रोग का विचार है तो समाचार पत्र पढ़ते समय हमारा ध्यान औषधियों के विज्ञापन की ओर अवश्य जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।